परिवार में चल रहे विवाद के बीच छोटे भाई तेजस्वी पर बोले तेज प्रताप यादव, भाई सीएम बने इसका आशीर्वाद देता हूँ। लालू यादव के आगमन पर हम प्रवक्ता का बयान, लालू यादव के चेहरे से आज भी डरती है बिहार की जनता, एनडीए को होगा उपचुनाव में फायदा। लखीमपुर मामले को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग। पंचायत चुनाव के दौरान भी जारी है शराब तस्करी का खेल, ट्रक से करीब 50 लाख रुपए के मूल्य का शराब बरामद, एक व्यक्ति की भी हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के राजनीतिक गलियारे में, क्योंकि आज बिहार के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों बेहद हलचल देखी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में अब पार्टी की ओर से एक नियम बनाया गया है, ये तय किया गया है कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन को बड़े आकार में पार्टी कार्यालय में लगाया जाएगा ताकि प्रदेश कार्यालय की शोभा और ज्यादा बढ़ाई जा सके। आपको बता दें कि आरजेडी प्रदेश कार्यालय में लगाए जाने वाले लालटेन का कुल वजन 6 टन और ऊंचाई 10 फीट होगा, जबकि लालटेन अत्याधुनिक लाइट से सजा होगा जो प्रदेश कार्यालय को जगमगाने का काम करेगा। जानकारी के मुताबिक पार्टी के चिन्ह लालटेन को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा लगवाया जा रहा है। तो ये वो तैयारियां हैं जब पार्टी का सिंबल यानी लालटेन लगवाया जा रहा है आरजेडी कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि इसकी तैयारियां हो रही हैं और 6 टन का, करीब 6 टन का ये लालटेन है जो जगमगाने का काम करेगा, आरजेडी कार्यालय को उजाले से भर देगा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी दमखम लगाती जा रही है। इसको लेकर एक तरह से कहा जा सकता है कि पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के 2 भाग हो गए, एक तरफ चिराग गुट एक तरफ पारस गुट, और दोनों के नाम बदल गए, इसके बाद एक नए तरीके से यूँ कह सकते हैं कि अब तमाम पार्टियां सिरे से शुरुआत कर रही हैं। ये हमारे पीछे देख सकते हैं कि राजद का प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर एक अनोखे तरीके का अब माहौल बनता दिखेगा। जब आप अब प्रदेश कार्यालय में आएंगे तो अमूमन जो स्थितियाँ थीं वो अब बदल जाएंगी। ये प्रदेश कार्यालय है जहाँ पर एक लालटेन का सिंबल जो है राजद का वो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, और ये सिंबल करीब 6 टन का होगा और इसकी जो लंबाई होगी वो करीब 10 फीट से ज़्यादा होगी। ये वही जगह है जहाँ पर कुछ देर बाद जो कहा जा सकता है कि लालटेन की जो प्रतिमा है वो लगाई जाएगी, और जो झंडे का जो जगह था उसे अब पीछे कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा कराई जा रही हैं। तमाम बीते दिन भी देखा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो थे उन्होंने कहा था कि बगल वाली जमीन राजद कार्यालय को आवंटित कर दी जाए ताकि जो कार्यालय का विस्तार है वो हो सके, लेकिन इस पर रोक लग गई। तो अब जो नए सिरे से जो कहा जा सकता है, और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बुधवार को सिवान दौरे पर गए। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के निकाह में वो शामिल नहीं हो पाए थे, इसीलिए वो वलीमा में शिरकत करने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि मैं उन्हें सीएम बनने का आशीर्वाद देता हूं कि वो बिहार के सीएम बने। वहीं बिहार जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जसीम को समर्थन देने के बयान को तेज प्रताप ने सिरे से खारिज किया। तो बता दें कि एक तरफ लगातार आरजेडी में विवाद की खबरें हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच दरार की खबरें हैं, तो इस बीच तेजस्वी यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने एक अच्छी बात कह दी है। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बने, मैं इसकी बधाई देता हूं। बोला आपको नहीं जा रहे खबर है कि मोहम्मद जसीम नाम के एक व्यक्ति हैं जो बिहार जस्टिस पार्टी के बड़े उम्मीदवार हैं, लोगों ने आप क्या उन्हें अपना आशीर्वाद समर्थन दे रहे हैं? थोड़ा सा मोबाइल सब सही बोला, मोहम्मद बोला ऐसा कुछ नहीं है, नहीं चर्चा है, नहीं ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो पिछली बार कहा था कि उपचुनाव से कोई मतलब नहीं, उसी स्टैंड पर कायम है, कौन रिमोट उड़ाया आप लोग के बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है, फर्जी तरीके से रिमोट उड़ा रहा है। आज ओसामा साहब से ओसामा साहब से मिलने जा रहे हैं लालू जी से,
पुराने रिश्ते भी रहे हैं। हाँ, ओसामा से तो मिलने में जा रहे हैं क्योंकि शादी में नहीं गए थे, आज वो विदाई करा रहे हैं तो उसमें हमको न्योता मिला है तो मैं जा रहा हूँ। गुलाम रसूल बरियावी कह रहे हैं कि ओसामा को आप लोगों ने अंतिम वक्त में साथ नहीं दिया था, भुला दिया था, आप लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है, मुसलमानों का काम नहीं करते मुसलमान। हमको तो शुरू से मतलब है, ओसामा से तो लगातार मेरी बातचीत होती रहती थी, ओसामा से तो मेरी लगातार बातचीत होती रहती थी और हम लोगों ने उनको दुख के घड़ी में भी हम लोगों ने मदद करने का काम किया, ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी ने आपको बधाई दी थी, आपने जो यात्रा निकाला था पद यात्रा, शुभकामना देकर कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, शुभकामना भी है, बधाई दी। नहीं, अच्छी बात है, उनको भी आशीर्वाद है मुख्यमंत्री बने। और लालू प्रसाद यादव के उपचुनाव के प्रचार को लेकर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव के प्रचार से एनडीए को लाभ मिलने वाला है क्योंकि आज भी बिहार की जनता लालू यादव के चेहरे से डरती है। देखिए, गोपाल मंडल जी के बातों से अक्षरशः मैं सहमत हूं। गोपाल मंडल जी ने ठीक कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी के चुनाव प्रचार करने से उसका इफेक्ट निसंदेह पड़ेगा क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का चेहरा भ्रष्टाचार का चेहरा है, लालू प्रसाद यादव जी का चेहरा दुशासन का चेहरा है, लालू प्रसाद यादव जी का चेहरा अपराध का चेहरा है, लालू प्रसाद यादव जी का चेहरा जंगल राज का चेहरा है, लालू प्रसाद जी का चेहरा आतंक का चेहरा है। लालू यादव जी को देखकर बिहार की जनता आज भी सहम जाती है और उन्हें लगता है कि अगर फिर से उनका राज आ जाएगा तो सूबे में क्या होगा ये सबको पता है। इसलिए अगर लालू प्रसाद यादव जी चुनाव प्रचार में आते हैं तो निसंदेह उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। और पटना सिटी में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, अगम कुआं में मां शीतला माता के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने माता की आरती भी की और राज्य के विकास की कामना की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने माता के दर्शन के बाद राज्यवासियों को नवरात्र की बधाइयां दी। तो नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है और इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार आज यानी कि बुधवार को वो कई मंदिरों में गए, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी में भी गए और मां का आशीर्वाद लिया, मां के दर्शन किए। आरती में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों को नवरात्र की बधाई दी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के कई मंदिरों में शामिल हुए, कई मंदिरों में गए और मां का दर्शन किया। बता दें कि नीतीश कुमार इन दिनों बेहद एक्टिव हैं, वो गया भी गए थे एक दिन पहले यानी मंगलवार को वो गया गए थे और बुधवार को वो कई मंदिरों में दर्शन करने गए, मां का आशीर्वाद लिया और राज्यवासियों को भी बधाई दी है, उन्होंने बिहार के विकास की कामना की है। तो सीएम नीतीश कुमार मंदिर पहुंचे, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, शीतला मंदिर और भी कई मंदिरों में मां के दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर यानी बुधवार को देश को एक सौगात दी है। उन्होंने पीएम मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की। यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश में रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालय को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है, यानी सभी विभाग अब एक केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए एक दूसरे की परियोजनाओं पर गहरी नजर रख सकेंगे। सरकार का यह दावा है कि इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को फुल स्पीड मिलेगी और इससे लोगों को बेहद उम्मीदें हैं। अपनी प्लानिंग कर रही है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है, ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग प्लान करते हैं। हम सभी ने यह भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार काम होता रहता है। ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं,
और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है, और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, बिगड़ी हुई बात को ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, ये जितनी भी दिक्कतें हैं उसका मूल कारण यह है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन, जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। इस तरह के साइलोस के कारण निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बर्बादी होती है। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि शक्ति जुड़ने के बजाय शक्ति। लखीमपुर मामले की आग अब भी शांत नहीं हुई है और इसे लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिला। कांग्रेस ने महामहिम को ज्ञापन देकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र को हटाने की मांग की। बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि जब आरोपी के पिता ही मंत्री हैं तो न्याय नहीं मिल सकता। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से कहा है कि पीड़ितों को तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक मुख्य आरोपी के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र अपने पद पर बने रहते हैं। कांग्रेस राष्ट्रपति से दो बड़ी मांगे की। पहली मांग उसने ये की कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र को हटाया जाए, और दूसरी मांग कांग्रेस ने ये रखी कि लखीमपुर कांड की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए। और राजधानी पटना में आपको बता दें कि एक और जहां दुर्गा पूजा की धूम है, तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ अपराधियों ने राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगर के बसंत कॉलोनी इलाके में एक महिला को गोली मार दी और गोली मारकर फरार हो गए। बता दें कि महिला मॉडल है और इस घटना में महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घायल महिला अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकली थी, देर रात वो वापस लौटी और इसी वक्त घटना को अंजाम दिया गया। इस वारदात के बाद घायल महिला के पति सुमन कुमार ने कहा कि हाल ही में महिला ने मॉडलिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिसके कारण इस घटना को इस वारदात को अंजाम दिया गया, और इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, गोली लगने की वजह सर हम कुछ बता नहीं पाएंगे। आज से कुछ दिन पहले मॉडलिंग हुआ था गांधी मैदान के पास, तो हो सकता है कुछ हुआ हो वहाँ, अब इसके विषय में हम बता नहीं पाएंगे सर। नहीं सर, जी सर, मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, शाम का टाइम था ना, दीप जलाने गए थे। एक छोटी बेटी थी, वही बेटी गई थी तो दीप जला के लोग वापस आ रहा था। नहीं सर, हम तो हॉस्पिटल में हैं अभी। और पटना सिटी में अष्टमी पूजा के मौके पर माल सलामी थाना क्षेत्र के पीर दमिया घाट पर गंगा स्नान करने के दौरान पिता और पुत्र डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर और एसडीआरएफ की मदद से दोनों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अब तक दोनों का सुराग नहीं मिल पाया है। वहाँ पर स्नान करने के लिए 12-13 वर्ष का बच्चा गया और वो डूबने लगा, तो उसको गए उसको बचाने के लिए, और दोनों पानी में सो डूब गया। एनडीआरएफ की टीम खोज रही है और अपने काम में लगी हुई है, देखते हैं कैसे कब मिलता है। ये यहीं पीर दमरिया के करने वाले थे, बाप बेटे दोनों डूब गए। ऐसी खबर जहाँ वहाँ जो देख रही थी महिला, वो महिला बताई कि यहाँ पर ऐसे ऐसे आए। और
और बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर हर ओर प्रत्याशी एक तरफ जहां जनता को लुभाने में जुटे हैं, तो वहीं जनता ने भी बेहतर काम को देखते हुए प्रत्याशियों को चुनने का मन बना लिया है। और इसी कड़ी में चकिया प्रखंड के सागर पंचायत से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। बता दें कि जहां पंचायत प्रतिनिधि बनने का सपना देख रहे मुखिया प्रत्याशी ममता कुमारी को स्थानीय लोगों ने लड्डुओं से तौला, यहां के लोगों को उम्मीद है कि सामाजिक कार्यकर्ता सुनील सिंह की पत्नी ममता सिंह मुखिया बनकर प्रखंड का विकास करेंगी। और बिहार पंचायत चुनाव और दुर्गा पूजा को लेकर एक तरफ जहां प्रशासन सख्त है, तो उसकी आड़ में शराब तस्करों का खेल अब भी जारी है। और इस क्रम में जिला उत्पाद की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस रोड में जांच के दौरान एक ट्रक से लगभग 50 लाख रुपए से अधिक की शराब की खेप को बरामद किया है और इसी के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ जारी है। और रोहतास जिले के भदसा गांव में पुलिस की कार्रवाई के दौरान बनाई गई एक वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस किस तरह से बदसलूकी कर रही है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी है। दरअसल अमझौर थाना क्षेत्र के भदसा बालू घाट पर अवैध उठाव को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और छापेमारी करने गई और इस दौरान घर में घुसकर महिलाओं से पुलिस ने बदसलूकी की और उनसे मारपीट भी की और इसी दौरान परिवार के किसी सदस्य ने यह वीडियो बना लिया जो अब बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद पुलिस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं इस मामले में अब तक किसी भी अधिकारी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान अब चौथी चरण में होने वाले मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी कड़ी में बक्सर जिले के इटारी प्रखंड में चौथे चरण में मतदान होना है। इस प्रखंड में 479 पदों के लिए कुल 1785 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं जिन्होंने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक दी है। आपको बता दें कि इटारी प्रखंड के 15 पंचायतों में मुखिया पद के लिए कुल 149 और सरपंच पद के लिए 102 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं जबकि बीडीसी के 21 पदों के लिए 146 वार्ड की 213 सीट के लिए 977 लोग मैदान में हैं जबकि प्रखंड पंच पद की 50 सीटों पर इतने लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम
बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट पापा। बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो क्यों बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारा सजा है मां का दरबार, नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है। ऐसे में नवरात्र को लेकर कई जिलों से अच्छी अच्छी बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हम भी आपको मां के दर्शन करवाते हैं। सीधा ले चलते हैं सासाराम, जहां रोहतास के सासाराम में किला मोहल्ला स्थित सहस्त्र भाहु पथ पर श्रद्धालुओं ने ऊन से बनी देवी मां की प्रतिमा को स्थापित किया है। यहाँ के एक पूजा पंडाल में मां की स्थापित ऐसी प्रतिमा श्रद्धालु भक्तों के लिए दर्शनीय बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहल्ले के बच्चों ने ही मिलकर इसका निर्माण किया है। देवी मां की आकृति तो कुम्हार से बनवाई गई है, लेकिन इसके बाद तमाम सजावट मोहल्ले के बच्चों ने की है। और बड़ी बात यह है कि उनसे बारीक कलाकारी भी की गई है, जो करीब से देखने के बाद कलाकारी का असर देखने को मिलता है। पहले मूर्ति को लाए और एक एक धागा कर हमने धीरे धीरे गोटिंग करके मिलकर पूरा बनाया है। इसमें सारा चीज हाथों द्वारा किया गया है, कोई बाहरी चीज यूज नहीं किया गया है। और तरह जितनी भी सजावट की सामान है, गोटा वोटा सारा हम लोग हाथों से किए हैं, गोटिंग करके मिलकर। और एक एक दो दो लगा लगा कर पूरे मूर्ति को हम लोग। क्या नाम रहेगा? छोटी करके मूर्ति बनाया गया है। ये ऊन के द्वारा माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाया गया। इसी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत अच्छे प्रयास से माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाया। जितने भी आप कलाकारी देख रहे हैं, जितने भी आप सजावट देख रहे हैं माँ दुर्गा की मूर्ति के, ये सारा यहाँ के खुद के इसी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों ने लगभग 30-35 दिन मेहनत किया, एक महीने से। और छपरा में भी कचहरी रोड स्थित कालीबाड़ी में बड़े ही भव्य तरीके से मां की आरती की जाती है। सुबह माता को भोग अर्पित किया जाता है और इसके बाद भक्तों में खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जाता है। बंगाली समाज के द्वारा यहां पर करीब 99 सालों से पूजा की जाती है। आपको बता दें कि परंपरागत तरीके से पूजन का आयोजन किया जाता है। इसे परंपरागत इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो पुरोहित हैं, जिसे बंगला भाषा में पूरत मोशाई कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं के परिवार के द्वारा पूजा कराई जाती है। और वही मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी एक ही परिवार के लोग होते हैं, जो सदियों से मूर्ति बनाते चले आ रहे हैं। और झारखंड में भी बड़े ही धूमधाम से नवरात्र मनाया जा रहा है। मां दुर्गा के 8वीं शक्ति स्वरूपा महागौरी की पूजा की गई। बता दें कि बुधवार को
माँ दुर्गा के आठवें रूप का दर्शन हुआ है और इसको लेकर जमशेदपुर शहर के मंदिर और पूजा पंडालों में बड़े ही सादगी से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। वहीं महाअष्टमी के दिन दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं को 2 गज की दूरी का पालन कराते हुए कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करवाया गया और मंदिर में दर्शन करने की अनुमति दी गई। साथ ही मंदिर एवं पूजा कमेटियों द्वारा बगैर मास्क के दर्शन करने पहुँच रहे श्रद्धालुओं को मास्क देकर माँ का दर्शन करवाया जा रहा है। और बुधवार को दुर्गाष्टमी के अवसर पर सुपौल के शातापुर में भी सार्वजनिक दुर्गा मंदिरों में भक्तों ने मां के दर्शन कर पूजा अर्चना की और जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। वहीं नवरात्र को लेकर डीटीवी भारत संवाददाता राजेश चौधरी ने मंदिर के पुजारी और भक्तों से खास बातचीत की। तो चारों ओर नवरात्र की धूम है और ये तस्वीरें सुपौल की है जहां भक्तों ने मां से ये कामना की है कि जीवन में सुख शांति रहे। और जिस तरह से पूरी दुनिया विपदा को झेल रही है, कोरोना महामारी को देख रही है, तो मां से परेशानियों को दूर करने की भी प्रार्थना भक्तों ने की। आज दुर्गा अष्टमी है और अभी हम मौजूद हैं सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति छातापुर में। आज क्या खास होता है और इस मंदिर की क्या महत्ता है, तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के पुजारी से और यहाँ के कार्यकर्ताओं से। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुंजन भगत जो मंदिर कमेटी के एक सदस्य हैं। गुंजन जी, इस मंदिर की क्या महत्ता है बताइए। बहुत अधिक महत्व है इस मंदिर का और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी जो भी मन्नतें होती है कि माता के दरबार में आने के बाद जरूर उनकी मन्नतें पूरी होती है, इसलिए काफ़ी भीड़ रहता है और बहुत दूर दूर से प्रखंड क्षेत्र से यहाँ पे श्रद्धालु माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। और आप लोग सेवा करते हैं मंदिर में? हम लोग तन मन धन से माता की दुर्गाष्टमी में हम लोग पूरा सेवा करते हैं। कितने दिनों से आप लोग दुर्गा पूजा में सहयोग करते आ रहे हैं? कई सालों से हम लोग तन मन धन मन से समर्पित मैया के लगे रहते हैं और जो भी काम होता है, जो भी कहीं पे जरूरत होता है हम लोग का सेवकों का मैया को, वहाँ पे हम लोग निष्ठावान से, ईमानदारी से, धैर्यपूर्वक खड़े होते हैं और हर काम को ईमानदारी से मैया के नमन करके हम लोग खड़े रहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रामटहल भगत, हम इनसे जानेंगे क्या है मंदिर की विशेषता और कितना महत्ता है आज के दिन का। रामटहल जी, आज अष्टमी पूजा है, आज कितना भीड़ और क्या है मंदिर की महत्ता? जहाँ तक मेरी, मैं भी बहुत वर्षों से माता के दरबार में सेवा दे रहा हूँ बहुत वर्षों से, तो हमने धीरे धीरे देख रहा हूँ कि साल दर साल भीड़ बढ़ती जाती है माता के भक्तों का। और विशेष रूप से आज अष्टमी जो है तो अष्टमी में माता बहनें लोग व्रत पैमाने पे उपवास रखती हैं और शाम जलाती हैं। शाम जलाने के उपरांत वो फलाहार भी कर सकती हैं, ऐसा भी कुछ कुछ महिला। मंदिर की क्या विशेषता? तो विशेषता मंदिर की विशेषता ये है कि आप भीड़ देख के समझ सकते हैं कि यहाँ मन्नतें पूरी होती है माता बहने का, तब वो फिर आते हैं यहाँ। ये भीड़ ही बयां कर रही है कि जो यहाँ क्या महत्ता है इस माते के दरबार का। काटी दुख हरण करते माँ भगवती, माता पिता के ठीक करते, बाल बच्चा का आनंद करते, सुख शांति सब घर है। इस तरह आप लोग पूजा अर्चना करते हैं? अष्टमी की एक विशेषता है कि जो सब आदमी अष्टमी करते हैं, नवरात्र जो भी नहीं भी करते हैं तो अष्टमी करते हैं। आज मैया का अष्टरूप का दर्शन होता है, इसीलिए विशेष पूजा होता है। आज मंदिर में बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं, श्रद्धालु आते जाते हैं और विशेष पूजा होती है। आपने सुना तमाम लोगों का, आपने मंदिर के पंडित जी को भी सुना, आपने श्रद्धालुओं को सुना और आपने पूजा कमेटी के सदस्यों को भी सुना, तो क्या कुछ विशेषता होती है छातापुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की? तो आपने तमाम बातें सुनी, तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी प्रिंस राज। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।